ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेगमेंट जिसमें हम एक्सपीरियंस शेयरिंग लेने वाले हैं। और आज का टॉपिक एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी और आरएमपी प्रैक्टिसेस का है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब जो लोग आए अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, वो लोग आए जो रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस कर रहे हैं हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते या फिर आगे जितने भी दिन हुए होंगे, और आपको प्रैक्टिस करने के बाद अपनी प्रॉब्लम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है, और आपको बहुत अंदर से कनेक्शन फील होता है अपने आप से भी, और आपको ऊपर वाले के साथ एक कनेक्शन फील होता है, रियल स्पिरिचुअलिटी आपको आरएमपी से मिल रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज मी टाइप कीजिएगा, ओके, मैं आपसे थोड़ी देर बात करूंगा, मिनट से दो मिनट का टाइम देना है, और सिर्फ बताना है कि आपको क्यों लगता है कि आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, ऐसा क्यों लगता है। सभी लोग रुकिएगा, एक साथ नहीं, एक दो मिनट के लिए बुलाऊंगा, और सभी लोग ना लिखें, पहले इनकी बातचीत हो जाए, फिर उसके बाद आप लोगों को बुलाता हूँ। सबसे पहले नीलिमा, सॉरी, सबसे पहले नीलिमा, मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप ऑडियो वीडियो दोनों में आ सके, आपकी जैसी मर्जी वैसे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले नीलिमा सोनी प्लीज आइएगा, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। टॉपिक क्या है, सबसे पहले अपना नाम, कहां से हैं, कितने दिनों से आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको क्यों लगता है कि आरएमपी प्रैक्टिस करते हुए आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, टाइप आके बताएं। नीलिमा, नीलिमा आइए, कितने दिनों से आरएमपी प्रैक्टिस, बोलिएगा बोलिएगा। आपकी आवाज एक्चुअली क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद वापस आपको लेता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, ओके, तब तक मैं दूसरे से बात करता हूँ, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, माफ करना, ठीक है। अपने आपको म्यूट कर लीजिए, मैं नीलम से बात करता हूँ, नीलम, ओनली नीलम, हाँ नीलम आइएगा, नीलम जी सर, नीलम, मैं नीलम सर, सर मेरा शक्ति पास 2 सितंबर को हुआ था, ओके, शुरू में मैंने शायद आपको मैसेज भी किया था कि मुझे कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन से मुझे लगा कि जैसे मतलब मुझे गुस्सा बहुत कम आ रहा है पहले से, और मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग रहती थी जो अब नहीं है। अच्छा, स्वेलिंग खत्म हो रही है। हाँ, बहुत मतलब बहुत मेरी मम बहुत चराती रह गई है, और मेरी बेटी है जिसकी एज 11 साल है, वो नींद में टॉयलेट करती थी, अभी वो करीब जैसे मतलब वैसे उसको ही जैसे मैंने करके देखा, चौकुरे से किया मैंने, तो चौकुरे तह की हीलिंग की, वो अब 1 हफ्ते से टॉयलेट नहीं कर रही। वेरी गुड, तो बिस्तर में उसने बिस्तर गीला करना छोड़ दिया है, ये बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये छूट जाता है टाइम के साथ, धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन फिर भी परेशानी होती है, बार बार चादर बदलना दिक्कत होती है, और बच्ची को भी शर्म आती है, तो 11 साल की बच्ची के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत मुबारक है नीलिमा। और मुझे याद है नीलम कि आपने शुरू में कहा था कि सर कुछ फील नहीं हो रहा, मैंने बोला फील के ऊपर जाओ, मैंने बोला फील के ऊपर जाओ, आपका माइंड उसको कभी कंसीव करे जरूरी नहीं है, इसीलिए आपने क्या करना है, उसे सिंपल प्रैक्टिस करना है, रिजल्ट मिलेगा। आपको अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 3 हफ्ते हुए हैं, और रिजल्ट भी देखना शुरू हुआ है, तो क्या आप मानते हो कि आप उस हद तक स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम से स्पिरिचुअली? ठीक है, क्योंकि मुझे पहले की तरह चिड़चिड़ाहट नहीं रहती है, गुस्सा नहीं आता है, बहुत ज्यादा जैसे हमेशा मतलब माइंड बहुत नेगेटिव सोचता रहता था, एकदम टेंशन रहती थी जैसे कि क्या होगा कैसे होगा, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा नहीं लगता, अब आप लगता है कि लाइफ को आप ठीक ठाक चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है जो ठीक, ठीक है, ठीक है नीलम, थैंक यू सर, अपने आपको म्यूट कीजिएगा। मीनाक्षी, थैंक यू सो मच मीनाक्षी वाजपेयी, मीनाक्षी आर यू देयर, जल्दी जल्दी आएंगे, ओके, 1 मिनट में फटाफट बताना है कि पहले कितने दिनों से आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको क्यों लगता है कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। यस मीनाक्षी वाजपेयी आएंगे, यस, नहीं तो विजय लक्ष्मी कोनाडिया, ओके, विजय लक्ष्मी, जल्दी जल्दी जो भी आप आए फिर बाकी नेक्स्ट को फिर बुला दूंगा, ठीक है। विजय लक्ष्मी आ रही है, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, विजय लक्ष्मी, या विजय लक्ष्मी, मैं विजय लक्ष्मी कानोडिया हूँ, ओके कानोडिया, यस प्लीज विजय, जी सर नमस्ते सर, मेरा इंटरव्यूमेंट 5 तारीख को हुआ था, 5 अगस्त को हुआ था, अभी मोस्टली 1 महीना हो गया है, आई थिंक 26 दिन या कुछ ऐसा हो गया है,
4 तारीख को खत्म, सितंबर में हुआ था, तो एक महीना हुआ, जी, में हुआ जी, तो 2 महीना आपका सितंबर में हुआ था ना, सितंबर में हुआ जी, 1 महीना नहीं हुआ, 5 तारीख, हाँ, तो 4 तारीख को खत्म हो जाएगा 30 डेज। और मेरा ना, मैं बहुत स्पिरिचुअल में रही तो मेरे को बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गए, जैसे कि मेरा ब्रेन काम करना, मतलब जैसे लॉकडाउन में भी था तो बंद सा हो गया था, और मैं सुनना और समझना बंद हो गया था, तो वो खुल गया सर, और काफी थोड़ा मतलब पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ और बहुत शांति लग रही है, नहीं तो मुझे, मैं स्माइल मेरा बंद हो गया था और बहुत डिप्रेशन भी आ गया था और बॉडी में बहुत तकलीफ हुई थी, तो काफी चीजों में फर्क पड़ा है सर, और लोगों को भी फर्क हुआ है, फैमिली को, फ्रेंड्स को, और मेरे को जो शांति आई है ना, वो जो एक पॉजिटिविटी आई है सर, नहीं तो लॉकडाउन में एक बार तो मुझे सुसाइड का मन हो गया था, वो चीज अभी नहीं है, और बहुत ऐसे जो चाहिए था ऐसा लगता है जैसे मिल रहा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, और आपने मुझे से आदमी से बंदे को भी विश्वास किया कि ये सिखा सकते हैं, जबकि ऐसी इस टाइप की चीजें सिखाने वाले दाढ़ी रखते हैं, यू नो, अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं और अलग टाइप के दिखते हैं, लेकिन मुझसे भी आपने सीखा, मुझ पर विश्वास किया, ये बड़ी बात है, और लेकिन आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये टोटली अलग ही बात है, जो कि मोस्टली लोगों को एक्सपेक्ट भी नहीं होगा कि अरे ये सिखाएगा तो कुछ रिजल्ट भी आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में रिजल्ट आ रहा है, जो कि सभी लोगों के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट था, है कि नहीं विजय? आपको आपका तो रिजल्ट, थैंक यू 1000% है सर, आपको तो मतलब देख के ही मुझे पता नहीं क्या इंट्यूशन हुआ कि आप ही मुझे ठीक कर सकोगे, मैं एकदम लास्ट कंडीशन में हूँ, मेरा बॉडी मरा हुआ कंडीशन में था, बॉडी एंड माइंड, तो ये साधु संत कोई ठीक नहीं कर सकता सर, ये मुझे पूरा विश्वास था आपके ऊपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी मच। नहीं, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि साधु संत ठीक नहीं कर सकते, बट ठीक है कि कई बार हमें वहां पे सोल्यूशन नहीं मिला है, जबकि आपको अपने कर्म चेंज करते हैं तो सोल्यूशन मिलता है, जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो होता क्या है कि हम टोटली उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि वही करके देंगे, आप ही करके दोगे, आप ही गुरु हो, आप ही महान हो, आप ही भगवान हो, तो वहां पे आपका अपना कुछ नहीं रह जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि आप करोगे, क्योंकि पहले दिन से आप ही से करवा रहा हूँ, और आपके खुद के कर्म जब चेंज हुए तो डेफिनेटली रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, कर्म चेंज मतलब रिजल्ट भी चेंज हो गया, ठीक है विजय? ये एक नई बात मुझे पता चली सर, की स्पिरिचुअलिटी से हमारा एनर्जी अंदर ब्लॉक हो गया था, ये बात आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इतना तकलीफ तन मन धन से क्यों पा रही हूँ, ये आज बहुत क्लियर हुआ। चलो अच्छी बात है, अब आपको आउटलेट मिल गया है, तो आप चिंता मत करो, वो ब्लॉकेजेस होने ही नहीं दूंगा, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय, अपना म्यूट कर लीजिएगा, भावना पाटिल आइए, भावना पाटिल जल्दी जल्दी आएंगे प्लीज, ओके भावना पाटिल, हाँ जी, मीना गांधी आरुद्य भावना पाटिल, ठीक है, जो नहीं आ पाते मैं बाद में बुलाऊंगा, अर्चना भौमिक प्लीज, अर्चना भौमिक, जो भी आप आए अपने आप को अनम्यूट करें और आ जाए प्लीज। हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहे सर? हाँ जी अर्चना, हेलो, सुन पा रहे, बोलिए बोलिए, कितने दिनों से आरंभ कर रहे हैं, बोलिए। सर मुझे 16 डेज हो गए सर, और काफी चेंजेस खुद में देख रही हूँ, मतलब मुझे जो बात बात में गुस्सा आता था वो गुस्सा आना कम हो गया, चीजों को समझने लगी हूँ, हर चीज को मतलब बहुत ही शांति से हैंडल करने लगी हूँ, ये मतलब काफी चेंजेस है मुझमें। और बात रह गई स्पिरिचुअलिटी की, तो वो अभी जैसे लगता है, पहले मैं पूजा पाठ किया करती थी बट वो कनेक्टिविटी नहीं होती थी भगवान जी से, अब जैसे लगता है कि एकदम जैसे लगता है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो जा रहा है उनसे, बहुत अच्छा, अब पहले मैं हमेशा उनसे मांगा करती थी, अब मैं कुछ भी उनको नहीं बोलती हूँ, जस्ट ओनली थैंक यू, बिल्कुल इतना ही करना होता है, ठीक है, मैं भी मंदिर में जाता हूँ, ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ मांगता नहीं हूँ, ना रोना धोना ना कंप्लेन, सिंपल बोलता हूँ थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ठीक है, सभी आजकल वही करती हूँ, बहुत अच्छी बात है यार, नो दिस इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी, मांगना नहीं है, मांग मांग के थोड़ी दे रहा है, वो सब कनेक्ट हो जाओ बस मिल जाएगा, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सर। सर नमस्ते, सर क्या है ना सर, जब से वो मैं ईएमपी के बाद ही मेरा मैजिक होने लगा था, मेरा सर लड़का इसमें, पर अभी 10 मास के लिए उसका यूपीएससी गया, देन आल्सो आई एम नॉट, बिकॉज़ ही इज वर्किंग हार्ड,
भगवान ने कुछ अच्छा ही रखा होगा, बट दूसरे बच्चे का मैं पढ़ाई का करता हूँ तो उनको सब मिल जाता है, बट देन ऑल्सो आई एम हैप्पी व्हेन मैं दूसरे का ट्रीटमेंट करूँ तो बहुत फटाफट हो जाता है, बट देन ऑल्सो आई एम हैप्पी बिकॉज आई कैन डू समथिंग। मेरा लड़का का 10 मार्क्स के लिए यूपीएससी गया, बट देन ऑल्सो ही इज हैप्पी, मतलब भगवान ने कुछ अच्छा और कुछ अच्छा रखा होगा। जस्ट एंड बहुत जन जैसा कि हमें अभी गुस्सा नहीं करती, कोई जलस है कुछ है, बहुत जन बहुत ये करता है, एंड जस्ट कम पहला मैं ना नहीं बोल पाती थी, अभी आप इतना अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे से नहीं होगा ये होगा, एंड एंड दे कांट टेल एनीथिंग, एंड वो बोलते हैं मैडम शिबानी जी आप इतना बदल गए, आप इतना भी कैसे करते हैं उम्र में, पैसा किधर से आते हैं, एंड सर भगवान का देन है। मैं बोलती हूँ, मैं ज्यादा बोलती हूँ नहीं, मेरा लड़का आईआईटी एंड ऑल दैट, एंड आई एम जैसा मैं एक जन का मेमोरी लॉस प्रॉब्लम में ठीक किया, मेरा मम्मी का अभी तक ठीक नहीं हो गया इतना, और उसका जल्दी ठीक, बट देन ऑल्सो आई एम हैप्पी, मे बी सर काम नहीं करता हूँ देस देयर और समथिंग, मैं ज्यादा पूजा पाठ से ना मीन आई एम डूइंग मेडिटेशन गायत्री, मतलब मैं ज्यादा करके भगवान का वो रखा हुआ ना, मैं ज्यादा करके बच्चे गरीब को खिलाता हूँ, डॉग्स को खिलाता हूँ, आई एंजॉय इन दैट, आई डोंट नो माय यूनिवर्स इज टेलिंग मी आई एम डूइंग दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच शिवानी जी, अपने आप को म्यूट कीजिएगा, वीडियो ऑफ कीजिएगा। सो अच्छी बात है शिवानी जी बोल रहे हैं कि दूसरों की हीलिंग हो जाती है तो देन ऑल्सो मैं खुश हूँ, मैं बोलता हूँ कि देन ऑल्सो नहीं है, क्योंकि आप अभी मुश्किल से 3 महीना नहीं हुआ है और आप कैसे कैसे बीमारियां तकलीफें दूर कर रही हो, चाहे वो किसी का भी हो, ओके आपका इमीडिएटली कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो वो तो मेरा भी नहीं हुआ, हर एक किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं रहता और रह जाता है, और धीरे धीरे उस पर काम करते रहना तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो चलता ही रहेगा, बट थिंग इज कि आपके बच्चे का बहुत कुछ अच्छा हो चुका है ना, उसको अभी भी चाहे तो वो इमीडिएटली दूसरे जो सर्विसेज है उसको वो सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन उसको एक खास सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा ना, जो बेस्ट चीज है उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस रख के वेट करना पड़ेगा। सो भगवान कह रहे हैं कि रुक जाओ, बेहतर वाली मिलेगी, चिंता मत करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आज शिवानी, थैंक यू वेरी मच, चलो अपने आपको म्यूट ही रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। सो और कौन है, तृप्ति गर्ग आइएगा, तृप्ति गर्ग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, मैं तृप्ति, तृप्ति हैदराबाद से बोल रही हूँ सर। मेरे ट्रीटमेंट लिए हुए अभी केवल 5-6 दिन हुए हैं, मैंने 26 सितंबर को लिया है, उसके बाद से सर मैंने देखा कि मेरे में थोड़ा जो बहुत जल्दी मैं हाइपर हो जाती थी, गुस्सा होती थी, वो मेरा कंट्रोल हुआ है, बस स्वाइस एक्सरसाइज करने से मेरे शोल्डर में पेन था वो नॉर्मल हुआ सर। और मैंने एक अपना मेरे यहाँ शमी का प्लांट है वो सूख रहा था, मैंने उसको चार्ज किया, वो पानी दिया और उसको रेकी किया तो उसमें थोड़े थोड़े नए कल्ले फूटने लग गए, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और सर दूसरा यह है कि थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ी, बहुत नेगेटिव थी शुरू में, मैंने आपसे बोला भी था कि सर मुझे फीलिंग नहीं हो रहा है रेकी जा रही है कि नहीं, लेकिन अब बड़ा अच्छा फील हो रहा है सर, और उम्मीद है आने वाले समय में और अच्छा करूंगी मैं। बिल्कुल 100% उम्मीद रखो, क्योंकि मैं गारंटी देके बैठा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो रिजल्ट मिलेगा, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ आपको। हाँ सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। मोहिनी गुप्ता, मोहिनी गुप्ता आ रही है, मोहिनी गुप्ता। हेलो सर जी, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। कितने दिन हुए आरएमपी? मेरा 9 जुलाई को एडमिट हुआ था। 9 जुलाई हो गया, हस्बैंड बोलते हैं कि तुम पहले से बहुत चेंज हो गई हो, और तुम जैसे क्या हुआ था ना, अभी थोड़े दिन पहले घर में चूल्हे में आग लग गया था बहुत तेज से, और पहले वाले मोहिनी रहती तो बहुत मतलब चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगती सबको, मैं चुपचाप पानी डाली गैस बुझा के चुपचाप रूम में जाके सो गई, बोली ऐसा तुम में ऐसा कैसे चेंज हो गया कि तुम चुपचाप गैस बंद करके सो गई, तुम्हें कोई टेंशन नहीं हुआ, मतलब सब कुछ अलग, तुम बहुत चेंज दिख रही हो। मेरे हस्बैंड दिन भर में 3-4 बार बोल देते हैं कि तुम बहुत चेंज दिख रही हो, चेंज दिख रही हो, शांत हो गई हो, मतलब गुस्सा भी नहीं करती हो, और सब कुछ हो रहा है सर, पता नहीं कैसे इतना व्यवहार में चेंज 3 महीने में, मुझे लगता ही 3 महीने वाली मोहिनी पहले वही थी जिसको नींद, मुझे नींद भी नहीं आता था पहले, अब तो नींद भी बहुत अच्छा आता है और गुस्सा भी कम हो गया है सर। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे थोड़ा ओसीडी वाला प्रॉब्लम था सर, नींद नहीं आना और गुस्सा करना, और व्यवहार भी अच्छा नहीं था किसी से, मतलब बहुत चिड़चिड़ाहट, सारा चीज नॉर्मल हो गया, पता नहीं कैसे, मुझे पहले ना लगता था कि मुझसे आरएमपी होगा ही नहीं, मतलब बहुत बड़ा चीज है, नहीं होगा नहीं होगा, फिर धीरे धीरे करते गए नॉर्मल, अब तो व्यवहार भी अच्छा हो गया सर, क्या क्या
पता है इसका बेनिफिट तो हो रहा है। अच्छा थैंक यू करें। और सर मुझे पता भी नहीं था जब सर एक मिनट सर जैसे फेसबुक पे कर रहे थे स्क्रॉल तो बस आपका फोटो देखी पता नहीं कैसे कैसे हो गए मुझे पता नहीं चला। लगता है कि कुछ भगवान कुछ अच्छे के लिए किए होंगे सर। और थैंक यू सर। पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ कम भी होता है तो भी लगता है भगवान है अंदर है खोजना नहीं है कहीं बाहर। पहले खोजती थी भगवान का पूजा कोई बात नहीं पूजा पाठ तो थोड़ा बहुत है करते रहो बट मेन चीज उसको नहीं होना है अपने कर्म को चेंज करना है जो मैं आपको करवा रहा हूँ ठीक है ना। कर्म अपने चेंज कर दिए बाकी सब चीज ठीक है। वेरी गुड बहुत अच्छा अपने आपको म्यूट कर लीजिएगा। और मीनाक्षी वाजपेयी क्या आप आ गए हैं तैयार है मीनाक्षी वाजपेयी मीनाक्षी वाजपेयी आ रही वीनू रावत विनू रावत हेमा देवांगन जल्दी जल्दी आएंगे प्लीज 8 बज गए हैं हमें आगे नेक्स्ट पे जाना है। हाँ हेमा देवांगन गुड इवनिंग सर दिस इज विनू फ्रॉम वाराणसी। यस सर यस सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाउ आर यू सर। आई हैव गॉट अ ट्यूनमेंट फ्रॉम 26 जुलाई सर 26 जुलाई सो जुलाई अगस्त एंड सितंबर सो दिस ऑलमोस्ट 2 महीने हो गया चलिए ठीक यस सर ऑलमोस्ट यस दैट्स ग्रेट चेंज सर। एंड बेसिकली आई एम इवन डूइंग डिस्टेंस हीलिंग and recently I've done distance healing for one of my colleague. In fact she is a vice principal of my school sir. Okay. And she was very sick from past 10 days so I asked her that shall I do Reiki and heal you up. She had calcium deposit on her brain sir. Mm-hmm. And she was not at all able to sit or and constantly her head was reeling sir. So mm-hmm. I have done distance healing and within 2 days she was sit and fine sir. Thank you for framing this course and it's a really drastic change in my life and even helping the people which has been possible just because of RMP sir. So right now I'm working further on. Okay. Thank you sir. Thank you so much for sharing your experiences. Okay. God bless you and keep healing. Okay. Thank you. Bless Thank you. You sir. Thank you. You sir. Thank you. So Neelam Soni, Neelima Soni, aap ready hai toh aap aayega. Neelima Soni. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा मैं नीलिमा सोनी छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ और मेरा शक्तिपात 21 सितंबर को हुआ था सर और उसके बाद से मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। मैंने सबसे पहला परिवर्तन आया सर मेरा व्यवहार बहुत बुरा था मतलब चिड़चिड़ा क्रोधित बहुत उस सारी चीजों में बहुत ही परिवर्तन आया। मेरा स्वभाव इतना अच्छा बदल गया है सर कि सब लोग मुझे पसंद करने लगे हैं मेरे भाई और मेरे घर में भी देख रहे हैं। और मेरा जो सिर में बहुत दर्द था सर वो दर्द अब 80% रिलीज हो गया है बिना किसी मेडिसिन के केवल रिकी हीलिंग के साथ। और उसके बाद लव मैग्नेट भी हो गए हैं जो चीजें मुझे चाहिए वो चीजें ऑटोमेटिक मुझे आकर्षित करती है मैं उनके पास नहीं जाती हूँ वो लोग मुझे आकर्षित करते हैं। आज ही मैं चर्च में भी मेरा आज परफॉर्मेंस था वहां भी मुझे सिर्फ मैंने 15 मिनट हम लोग प्रैक्टिस किए और के परफॉर्म करना था डायरेक्ट ड्राइंग वे में मुझे बुलाया गया और मुझे सिंगिंग के लिए भी इनवाइट किया गया बहुत ही अद्भुत हुआ मेरे जीवन में थैंक यू। और भी आत्मिक रीति से भी मेरा हुआ जैसे हीलिंग के लिए मैं थोड़ा सा डर रही थी सर उस विषय में थोड़ा और भी आपसे चर्चा चाहूंगी मम्मी दूसरों की हीलिंग के लिए। तो कल मैंने मम्मी के लिए भी हीलिंग की चौकोरे से और जैसे मैं चौकोरे से सर मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था वो चीजें चौकोरे से जब मैं उनके कर रही थी चौकोरे और जैसे मैं करना चालू की सर उनका पूरा शरीर अपने आप हिलने लगा था हैंड्स हिल रहे थे पैर हिल रहे थे पूरे शरीर मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था सर। और बहुत खुश थी मैं कि इतना अद्भुत काम हो रहा है इस रेकी के माध्यम से मैं बहुत खुश थी और मम्मी को बोली कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मैंने दूसरों की भी हीलिंग स्टार्ट की कल से तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही गुड रिजल्ट आ रहा है मेरे जीवन में मेरे परिवार वाले भी देख के चौंक रहे हैं कि इसका जीवन ऐसे कैसे बदल रहा है। और आत्मिक तौर पर भी बहुत ही परिवर्तन आया सर जैसे आज का टॉपिक था क्योंकि पहले भी मुझे विजन आते थे मैं जीसस क्राइस्ट को मानती हूँ तो लेकिन विजन जो है कभी झूठला जाते थे ऐसा लगता था लेकिन अब जो विजन आ रहे हैं ड्रीम्स में भी जो विजन आ रहे हैं एकदम साफ एकदम क्लियर विजन आ रहा है बहुत सर आपको भी थैंक यू रेखी का थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू नीलिमा आने के लिए और क्लियर करने के लिए कि बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में क्लियर हुआ है और बीइंग अ क्रिश्चियन आपकी लाइफ में और भी पॉजिटिविटी आए मैं ये चाहता हूँ। और जो हीलिंग जीसस क्राइस्ट करते रहे हैं एज अ गॉड उनको हम भगवान मानते रहे हैं तो उनका कुछ अंश आपके अंदर भी है तो आप भी हीलिंग कर पाएंगे मैं ये आपको वादा करता हूँ ठीक है। ठीक है चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू। रंजन मैं बोलूं कौन है दुर्गा देवंगन हाँ आइए आइए दुर्गा आइए प्लीज। हाँ
हाँ सर नमस्ते सर, मैं दुर्गा देवांगन छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ सर। जी, कितने दिन हुए आप? पिछले शनिवार को मिली थी सर ट्यूमेंट। शनिवार को मिली थी, एक हफ्ता हुआ जी, क्या हुआ एक हफ्ते में क्या मिला? ज्यादा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ सर, लेकिन रोज कर रही हूँ। आज क्या हुआ, मैं नवरात्रि के उपवास रखी हूँ। हाँ जी, और पानी शायद कम पीने की वजह से आज सुबह 4:45 को मेरे पैर का एक पैर पूरा नस अकड़ गया था और पूरा ऐसे लंप जैसे निकल गया था कड़ के। मेरे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, भयंकर दर्द था। तो मैं रेकी को रामन करके सोई थी, तो फिर उसको रेकी शक्ति को बोल के आधा मिनट ही की होंगी, वो मेरे सामने ही पूरा सूजन कम हो गया, एकदम तुरंत कम हुआ। जादूगर जादू जादू ही हो गया आपके साथ ना? हाँ सर, मैं लाइट ऑन की और लाइट ऑन करके देखी क्या हुआ है करके, वो एक संतरे के जैसे सब बड़ा सा निकल गया था। मैं डर गई क्या हो गया करके, तो तुरंत हाथ रखी और उसी टाइम पे 4:45 का टाइम हुआ था और मैं करी हूँ, तो मेरे सामने ही वो सूजन कम हुआ, उसके बाद से भी नहीं हुआ, आज ही सुबह की बात है। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो आपको हीलिंग एक्सपीरियंसेस होना शुरू हुआ, माय बेस्ट विशेस। दिखा भी आंख में, मैं देखी अपने आंखों से उसको, जैसे ही मैं रखी हूँ हाथ को करी हूँ, आधा मिनट भी नहीं हुआ, 30 सेकंड ही हुआ, 30 सेकंड में पूरा कम हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच जी। ओके, अभी आगे तो बहुत कुछ, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। जगजीत मिर्काई, जगजीत फिर कहिएगा, उससे पहले मैं सभी लोगों का एक बार म्यूट कर दूं 5 मिनट और, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में जाएंगे। ओके जगजीत विर्क, अपने आप को अनम्यूट करके आइएगा प्लीज। जगजीत विर्क जी आइए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं जी? हाँ ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। मैंने तो बहुत ही उपलब्धि प्राप्त की है, सारी उम्र तो मैं बहुत ही एक्सेप्टेंस में रही, स्पिरिचुअल भी थी, लेकिन वो खुशी जो आपसे मिली आर एम ज्वाइन करके वो पहले नहीं थी, क्योंकि जितने ब्लॉकेजेस थे वो सब खुल गए और एक नई दिशा मिल गई, एक आस हो गई कि सब ठीक हो सकता है। पर पहले तो मैं सोचती थी जो है सब ठीक है, लेकिन घर में इतना ज्यादा वो ब्लॉकेजेस हो गए थे बेटे को लेकर भी, और वो भी बिल्कुल अब ठीक है, उसका मेंटल प्रॉब्लम इतना ज्यादा था, बट ही इज हैप्पी एंड ही एम्ब्रेसेस मी एंड से मामा इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग बेटर एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे को अच्छा लगता है जब उसको एम्पावर मिलती है एंड टच हीलिंग से, और वैसे भी बहुत कुछ हासिल हुआ है सर, प्रैक्टिकली इतना इम्प्रूव हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, और एक दिशा मिल गई और आस हो गई है कि सब ठीक हो जाए। जस्ट एक मिनट दीजिएगा, आप आए हैं तो मैं मौका लेता हूँ इस बात के लिए कि आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। आप पिछले कई सालों से, मतलब आप बोल रहे थे 20-25 सालों से काइंड ऑफ मेडिटेशन ध्यान ये सब चीज करने की कोशिश कर रही हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल पाथे आपने यूज की हुई है और उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, और कई सारी प्रॉब्लम थी, कई सारी बीमारी थी, कई सारी तकलीफें थी आपको, और आज आपकी आपका एज अभी कितना है? 65 कितना है? आई एम 69 अपने आपको अनम्यूट कीजिएगा, फिर से वो बैकग्राउंड आवाज आ रही थी बहुत लोगों की, अपने आपको अनम्यूट कीजिएगा। सो आप 69 ईयर्स यंग है और आप 25 सालों से कोशिश कर रही थी किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी आप गेन करें, अचीव करें, लेकिन वो सिर्फ कर्म कांड ही रह गया, उससे आपको फायदा नहीं हुआ, और कई सारी बीमारी तकलीफ वगैरह थी लाइफ में, कई सारी कठिनाइयां थी, प्रॉब्लम्स थी, ब्लॉकेजेस थी। और आपको अभी कितने दिन हुए हैं जगजीत जी? अभी मुझसे मैंने, हाँ जी 21 को मैंने 21 अगस्त को अटूनमेंट लिया आपसे सर, 21 अगस्त लेकर 21 सितंबर तक मान के चले तो एक महीना प्लस हुआ थोड़ी देर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो एक महीना प्लस में मान के चलो 40 डेज हुए हैं, और इस 40 डेज में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि इनमें आपको लगता है कि ये बताने लायक है, 40 डेज में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? इतनी पॉजिटिविटी हो गई कि मैं जैसे ही आपके लिए भी सोचती हूँ तो आई कनेक्ट विद द सुप्रीम, और उसके बाद ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, शून्य हो जाती हूँ, थॉटलेस बिल्कुल इतना उस आनंद में चले जाती हूँ, और फिर उसके बाद अगर जब मैं रेकी देती हूँ तो वो भी बहुत ही फ्रूटफुल है, इतनी ज्यादा कि वो चैनल पहले नहीं खुला था, ब्लॉकेज वाज देयर, अब इतना ज्यादा मेरे को आस हो गई है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, इतनी पावर सर ने हमें दे दी है अट्यूनमेंट से कि हम सब ठीक कर सकते हैं। पहले मैं सोचती थी जो गॉड ने दिया सब ठीक है, ऐसे ही चलेगा, थैंक यू, कॉम्प्रोमाइज करके चला रहे थे, कॉम्प्रोमाइज करते करते, कॉम्प्रोमाइज एंड थैंकफुल टू गॉड कि सब ठीक है, सब ठीक है, ये ऐसा ही, लेकिन अब एक रास्ता मिल गया, वे आउट नहीं, रेकी इज देयर टू हील एवरीथिंग, वी हैव टू लिव फॉर हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी,
अब ये बहुत अच्छा हो गया सर, बहुत बढ़िया आपके थ्रू हो गया, यू हैव एम्पावर्ड मी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके जुड़ने के लिए, थैंक यू सर। अब मैं बोलूंगा कि थैंक यू आपके आशीर्वाद के लिए, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है और मैं कुछ कर पा रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रंजन गोस्वामी आइएगा लास्ट वन, एंड हम लोग उसके बाद नेक्स्ट उसमें जाएंगे सेगमेंट में। ओके रंजन गोस्वामी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रभु जी आइए, आइए रंजन जी बोलिए। नमस्कार, एक्चुअली मैं तो आरएमपी में मैं अटून हुआ था 18 जुलाई, और मास्टर भीला कोर्स भी 30 डेज के तो कंप्लीट हो गया। तो कल जो मेरे को एक ये हुआ है, तो मैं तो इस्कॉन डिवोटी एंड भगवान का कृपा से एक स्पिरिचुअल गुरु मिला था जिससे मैं अटून किया था, मेरा इनिशिएशन हुआ था, और भगवान का कृपा से आप जैसे एक गुरु मिला है, रेकी गुरु, जिससे हमेशा मेरे को लगता है जो मैं दूसरे के लिए और अपने के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। तो कल जैसा मैं रायपुर स्टेशन से बिलासपुर आने का था, तो रायपुर स्टेशन में मेरे को भूख लगा था, जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, रायपुर स्टेशन में भूख लगा तो मैं एक मिल्क शेक बोतल मिल्क शेक मैं एक मिल्क शेक लिया था। मिल्क शेक पीने के बाद मैं वो टेस्टी नट्स जो है वो भी एक पैकेट मैं लिया था। लेने के बाद मतलब शरीर में पेट में लगा थोड़ा गैस फॉर्मेशन, बहुत आनी से फील हो रहा था मतलब स्टेशन में, तो मैं एकदम घबराया नहीं, मैं अपना वो स्टेशन में अटूनमेंट मतलब अपने को हील किया था, और मतलब से पांच मिनट में एकदम कंप्लीटली एकदम क्योर्ड, एकदम कंप्लीटली नॉर्मल, कोई तकलीफ नहीं हुआ। फिर बिलासपुर स्टेशन उतारने के बाद मेरे को लगा नहीं मैं आज ऑटो में नहीं, मेरे को आज ई ऑटो मिल जाए तो मैं उसमें शावर करूंगा, तो आप विश्वास करेंगे नहीं, 1 से 2 मिनट के अंदर में एक ई ऑटो मेरा पास खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद बोला आप कहाँ जाएंगे, फिर मैं अपना डेस्टिनेशन घर आ गया हूँ। इट इज माई एक्सपीरियंस, मतलब आप जैसे एक रेकी गुरु मिला है। थैंक यू पूरा शर्मा सर, थैंक यू। रंजन गोस्वामी, आज का जो टॉपिक था कि स्पिरिचुअलिटी, जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, आरएमपी से अचीव हो सकता है, आपको अभी मुझसे जुड़े हुए करीब 2 महीना हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अलग टाइप से एक अलग टाइप की स्पिरिचुअलिटी मिली, ऐसी स्पिरिचुअलिटी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगवान से कनेक्शन नहीं है, भगवान से तो आप स्पॉन्सर भी कनेक्ट हो गए थे, वहां पे आप अच्छा एक लाइफ जी रहे थे, बट आपकी कई सारी बीमारी तकलीफ थी वो ठीक नहीं हो रहा था, आप किसी और की बीमारी तकलीफ दूर नहीं कर पा रहे थे, तो क्या ये कर पाने की जो काबिलियत है, ये क्या स्पिरिचुअलिटी है कि नहीं आपकी नजर? बिल्कुल 100% महान विभूति है आप, डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में बहुत सालों से हैं, इस्कॉन में हैं, बहुत सारी चीजों से आप कनेक्ट हैं, तो आपकी राय एक बहुत महत्व रखेगा यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस है जिसमें आप अपनी हीलिंग करके अपने आप को तो पॉजिटिव बनाओ दूसरों की भी दर्द बीमारी तकलीफ दूर कर पा रहे हैं रेकी से, तो क्या ये भी एक स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है कि बस ये कर्म कांड है, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये भी एक स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है, एक स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है, और ये स्पिरिचुअलिटी में आप जैसे गुरु के मतलब हम लोग टच में है, ये एक बड़ी चीज है। तो इससे सही है कि हमारी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती होगी आपकी नजर में? 100% मैं ये सभी को बोलूंगा। चलो थैंक यू सो मच, एक्चुअली आपसे सुनना था क्योंकि आपकी राय भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ पे, क्योंकि आप मेरे सिस्टम के हिस्सा हो, तो लेकिन आप पहले से इस्कॉन से जुड़े हो कई सालों से, और आप तो प्रभु जी कहलाते हैं, आपकी तो पर्सनैलिटी भी अलग है, आपकी तो बात लोग सुनते हैं, तो आप इस टाइप से बात करेंगे तो डेफिनेटली रेकी एंड माइंड पावर तक लोग और पहुंच पाएंगे, बाकी लोग भी, है ना? अच्छा है, सबको भी फायदा हो जाएगा, है ना, वो भी दूसरों की मदद कर पाएंगे, ये अच्छी बात। थैंक यू सर, अरे थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस सर, रंजन जी, ओके थैंक यू सर। सर एक चीज क्या है ना, दूसरा गुरु जी ए मत खाओ वो मत करो, आपसे अच्छा लगता है कि हम लोग बंगाली में ना फिश माचे झोल भात बहुत फेवरेट है, तो बंद कर दो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, एक जन बंद करेगा तो एकदम से। अच्छा, आई रेस्पेक्ट यू वेरी मच, बहुत अच्छी बातें निकल के आई है, और सबसे बड़ी बात है कि हाँ रेकी एंड माइंड पावर काम करता है, हाँ हफ्ते दो हफ्ते में भी आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दूसरों के भी प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल रहा है, और ऐसा स्पिरिचुअलिटी जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हो कि भगवान से बातें हो रही है, भगवान मिल रहे, वो मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि आपकी स्पिरिचुअलिटी से किसी का भला होना चाहिए। मैं लास्ट एक एग्जांपल, एक कहानी बता के मैं ये सेगमेंट समाप्त करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी, ओके, अपने जीवन काल में कहीं जा रहे थे, इंडिया में ही थे,
और वो कहीं जा रहे थे तो उनको बीच में एक गंगा नदी पार करनी थी स्वामी विवेकानंद के, और वो किनारे खड़े थे क्योंकि एक जो बोट था या नाव थी वो फेरी लगा के उधर से इधर आ रहे थे कि उधर पैसेंजर्स छोड़ के वापस आना था, और वो वेट कर रहे थे। और अचानक एक बाबा जी उनके पास आए, बड़े बड़े दाढ़ी रखे हुए हैं, भगवा वस्त्र है, खड़ो पहना हुआ है, हाथ में एक पता नहीं कमंडल है समथिंग कुछ है, और वो आके बोलता है कि डायरेक्टली ऐसे बात करते हैं, बोले कि तू नरेंद्र है क्या, डायरेक्टली देखो बात करने का लहजा देखिए क्या है, बोलते हैं तू नरेंद्र है क्या, बोलते हैं कि हाँ बाबा मैं नरेंद्र हूँ। सोचने लगे कि मुझे नरेंद्र नाम से तो बहुत कम लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, बट ये इतने आत्मीयता के साथ बोल रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे जानते होंगे बचपन से। तो बोले कि हाँ बाबा जी मैं नरेंद्र ही हूँ, लेकिन आपने कैसे मुझे पहचाना और आप क्या जानते हैं मेरे बारे में। बोले कि मैं तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन क्या तेरे को मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, आप बताएं। उन्होंने बोला मैं श्री 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 1008 समथिंग समथिंग बाबा हूँ। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बोले कि मैं हिमालय से आ रहा हूँ, वहां मैंने 17 साल तपस्या की, 17 years मैंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद वो घड़ी तपस्या के बाद मुझे एक वरदान मिला है, मैं करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कि मुझे क्या वरदान मिला है, तो देख। और उन्होंने अपना खड़ो किनारे पे किया और नदी में 10 फीट तक अंदर जाके बाहर आके दिखाया चल के, और बोले कि देखा तूने कि मैंने क्या किया। स्वामी विवेकानंद ने बोला कि बाबा जी मुझे पता नहीं चला कि आपने क्या किया, एक बार फिर से करके देखा। बोला कि फिर से देख। फिर से उन्होंने पानी के ऊपर 10 कदम अंदर नदी में जाके और वापस आके दिखाया। बोले कि देखा तूने, समझा कैसे, क्या मुझे मिला है। बोले कि नहीं बाबा जी मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा, कृपा करके बताएं कि आपको क्या मिला है, आपको क्या वरदान मिला, क्या हुआ। बोला कि बेवकूफ एक बार फिर से देख, और इस बार फिर से चल के आके बोला कि देख मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। सोच के देखिए 17 साल उन्होंने तपस्या करके क्या पाया, पानी के ऊपर चल सकता हूँ। बोले कि बाबा जी आपने अपने जीवन का 17 साल बेकार कर दिया, वेस्ट गया, क्योंकि पानी पे चलना ये कोई देश के लिए या फिर इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए, कल्याण के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ आप चल सकते हो। वो तो मैं भी अभी पूरा का पूरा गंगा नदी पार करके जाने वाला हूँ, मुझे सिर्फ अभी 10 आना देना है, और 10 आने में वो मुझे उस किनारे पे छोड़ देगा। तो मैं ये पानी पे चलने के लिए, वरदान पाने के लिए, उस काबिलियत के लिए 17 साल हिमालय में जाके तपस्या क्यों करूं, इससे जन कल्याण में कुछ नहीं होने वाला, लोगों की कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला कि आप महान हैं, आप गुरु हैं, लेकिन मैं वो नहीं बनना चाहता, मैं सिंपल अभी 10 आना दूंगा और मुझे उस नाव से वहां छोड़ दिया जाएगा। कहने का भाव यह है कि आपको जो भी चीज मिलती है उसका कुछ न कुछ फायदा दूसरों को होना चाहिए, जन कल्याण में होना चाहिए, लोगों की लाइफ को एनहेंसमेंट मिलना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि हम जो इंसान इस धरती पे हैं, हमारी लाइफ को आगे आगे एनहेंसमेंट मिलना चाहिए, एक इवोल्यूशन होना जरूरी है। और उसी पर्टिकुलर गुड नोट के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ, इस सेगमेंट को यहीं विराम देता हूँ। अगला सेगमेंट क्वेश्चन आंसर राउंड है, मैं उसमें मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू इन क्वेश्चन आंसर राउंड। ओके, थैंक यू।